जाते जाते अच्छी बात ही हो गई कि मौसम अच्छा हो गया। तो सीधे शराब दे दिया कि लिंक का पता नहीं चला। अच्छा हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग वंस अगेन। और आज हम निकल रहे हैं यहाँ से दोली छेना से, बिनसार से। और आज का जो हमारा प्लानिंग है तो जागेश्वर धाम घूमने का है, एंड देन उसके बाद अगर टाइम रहा, हिम्मत रही, तो हम पाताल भुवनेश्वर भी जाएंगे। सो ये दो प्लानिंग्स हैं। सो हमारी गाड़ी निकल जाएगी जागेश्वर के लिए, एंड जो दूसरी गाड़ी थी वो निकल जाएगी डायरेक्ट नोएडा के लिए, क्योंकि उनको आज रात को नोएडा पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और जाते जाते अच्छी बात ये हो गई कि मौसम अच्छा हो गया, सुबह बारिश हो गई थी, सो काफ़ी क्लाउडी सा मौसम हो गया, काफ़ी प्लेजेंट सा मौसम हो गया एक्चुअली। एंड मैं अभी आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ। क्लाउड्स अभी थोड़े से कम हो गए हैं, बट सुबह एक पूरी लेयर थी जो उड़ रही थी यहाँ पर। सो लेट मी शो यू दैट फर्स्ट। सो ये हैं व्यूज़ जो हमारे सामने थे बिल्कुल, और तीन दिन हमने यहीं पर गुजारे हैं अभी। सो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, आप कभी भी आके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और जो इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं महेंद्र सिंह जी, मैं उनका नंबर भी शेयर कर दूंगा आपके साथ डिस्क्रिप्शन में। सो अगर आप कभी भी दौलत छेना आते हो, बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको विजिट करना है, देन डू विजिट दिस प्रॉपर्टी, बिनसार व्यू होम स्टे। और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, काफ़ी स्पेशियस प्रॉपर्टी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रॉपर्टी काफ़ी न्यू है एक्चुअली। सो आपको अच्छा लगेगा। और स्पेशियस रूम्स हैं, मैं आपको एक आधा रूम दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द रूम्स ऑक्यूपाइड हो गए हैं कल से। सो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको एक रूम, कि रूम का जो आर्किटेक्चर है वो कैसा है। आपको आई होप कि आपको अच्छा लगेगा फॉर श्योर। लेट मी, तो ये लगी है अपनी गाड़ी, आप देख सकते हो कितना स्पेस है यहाँ पर। सो ये जब आप आते हो तो ये सब स्पेस आपके लिए रहेगा, आप काफ़ी इन्जॉय कर सकते हो। बेस्ट है कि आप फैमिली के साथ आइए। ऊपर वाला रूम दिखाना बल पे। सो एक बार मैं आपको रूम टूर देता हूँ पहले। और USP इस होटल की है कि अब व्यू देखिए एक बार। आ जाओ ऊपर आ जाओ। सो 6 रूम्स है इस पूरे प्रॉपर्टी में भी। दो रूम्स यहाँ पर है, दो रूम्स यहाँ पर है। और ये एक रूम का साइज देखिए, काफ़ी स्पेशियस रूम है, क्लीन अच्छा है काफ़ी। ये बालकनीज हैं, उस बालकनीज का जो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप यहाँ का व्यू देखिए, गैलरी देखिए, आप आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पर। ये बिल्कुल सामने जो नीचे से व्यू दिखा रहा था, सेम व्यू यहीं पर है। और ये रहे महेंद्र सिंह जी जो इस प्रॉपर्टी के ओनर है। तो मैं इस प्रॉपर्टी का और महेंद्र सिंह जी का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जा सकते हो। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप कभी भी अगर आप इंसार में आते हो, देन डू कनेक्ट विद महेंद्र सिंह जी, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा फॉर श्योर। और सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार बोले जा रहा हूँ, रूम्स काफ़ी अच्छे हैं, बिल्कुल नई कंस्ट्रक्शन है, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ जो आपको आपके रूम के आगे से बेस्ट व्यू मिलेगा। ये वॉशरूम देख सकते हैं, काफ़ी क्लीन है, गीज़र वीज़र सब फैसिलिटी है यहाँ पर। और एक बार फिर से जाते हुए ये रूम का टूर दे रहा हूँ, बिल्कुल क्लीन रूम है, न्यू कंस्ट्रक्शन है, वुडन सीलिंग है। सो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर आकर। तो चलिए अब निकलते हैं जल्दी से, बारिश हो गई है तेज़ काफ़ी, और अभी हमें बहुत दूर जाना है, कहीं दिक्कत ना हो जाए। सो 5 स्टार्स फॉर दिस प्रॉपर्टी, ज़रूर विजिट कीजिए एक बार। सो भाई निकल लिया प्रॉपर्टी से, और अभी पहुंच गए हम लोग दोली छेना मार्केट। और यहाँ से शायद बाली छेना से रास्ता कटेगा जागेश्वर धाम के लिए, देन वहाँ से हम दोनों की गाड़ियाँ अलग हो जाएंगी आज के लिए सिर्फ। कल परसों हम फिर मिलेंगे साथ में। सो ऊपर वाले का नाम लेते हैं, महादेव का नाम लेते हैं, और करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट आज की, और उनके दर्शन करके अपना दिन और अच्छा बनाते हैं। सो जय श्री राम, हर हर महादेव।
और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चलो करते हैं अपना दिन स्टार्ट और मिलते हैं अब आपसे आगे और कराते हैं आपको जागेश्वर धाम जी के दर्शन। सो अब देखो यार रास्ता कितना खूबसूरत सा लग रहा है, सुंदर सा लग रहा है, बिकॉज ऑफ कि अभी जस्ट अभी रेन बारिश हुई है और बिल्कुल जो विजुअल्स हैं वो चेंज हो गए हैं इस जगह के। आते टाइम ये इतना ही बोरिंग लग रहा था रास्ता एक्चुअली, और अभी देखो सो बारिश से क्लाउड से जगह निखर के तो आती है भाई। ये देखो भाई ले लिया हमने जागेश्वर के लिए रास्ता और बालीछेना से रास्ता कटा है, यहाँ से 16 किलोमीटर्स है और जो दूसरी गाड़ी थी वो निकल गई हल्द्वानी के लिए क्योंकि उनको नोएडा पहुँचना है। सो बस अभी जागेश्वर का रास्ता पकड़ लिया है, होपफुली अगले आधे पौने घंटे में पहुँच जाएंगे वहाँ पर और वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या सीन रहेगा, क्या स्टेटस रहेगा आगे का। बट पहले आपको वहाँ पहुँच के दर्शन करवाते हैं जागेश्वर धाम जी के। और ऐसा है कुछ रास्ता जागेश्वर धाम का। ये देखो ये सारा देवदार है, ये सारा देवदार के पेड़ है। हाँ ये ना टेंपल है, पहुँच के अच्छा पहुँच गए हम शायद से यहाँ पर। और गाड़ी लगा के देखते हैं कहीं पर ये आ गया मंदिर सामने मेरे ख्याल से। यस सर जी फाइनली पहुँच गए हम लोग जागेश्वर धाम। अब चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर से मंदिर। बट आप देखिए मंदिर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी प्राचीन है। सो और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है अभी तक जो मेरे को नॉलेज है वो ये है कि ये शायद 1200 से 1400 साल पुराना मंदिर है। बट एक्चुअल हिस्ट्री क्या है वो शायद अंदर लिखी होगी तो वो मैं एक बार अंदर जाके बताता हूँ आपको। बट जो भी है एरिया बहुत सुंदर है। चलो अंदर चलते हैं, अंदर आपको दर्शन करवाते हैं जागेश्वर धाम के। और सो ये है एंट्रेंस अपना जागेश्वर धाम मंदिर का। दंडेश्वर मंदिर समूह जागेश्वर। तो चलो करते हैं मंदिर में एंट्री। और काफी देवदार के देवदार से ट्रेस किना है ना, पूरा देवदार से भरा हुआ है। हाँ हाँ और ये आर्कियोलॉजिकल साइट भी है ये। सो अभी पढ़ रहा था यहाँ पर तो इनको दंडेश्वर महादेव भी बोलते हैं। मंदिर के बारे में बताएंगे कुछ? हाँ जी पंडित, मंदिर के बारे में बताएंगे कुछ जी? यहाँ पर शंकर भगवान जी की शिला है, शिला रूप में शंकर भगवान जी तपस्या करते थे यहाँ पे। ओके अच्छा यहाँ पे तपस्या करते थे तो सबसे ऋषि लोग रहते थे, उन्होंने अपनी साधुराणी को फूल तोड़ने भेजा। अच्छा ढूंढने निकले उनको अपनी स्त्री को, लौटे नहीं हो शाम होगी दूसरे सुबह को निकले। अच्छा तो यहाँ देखा शंकर भगवान जी को नर्तना अवस्था में। अच्छा उनकी स्त्रियाँ प्रसिद्ध लेडी थी यहाँ पे बेहोशिया की हालत में, तो उन्हें शिव जी को कुछ न जाना न पूछा
तो सीधे श्राप दे दिया कि लिंग का पतन हो जाए। अच्छा, तो शंकर भगवान जी ने कहा कि कोई बात नहीं, बिना जाने पे मतलब शराब की कोई बात नहीं, मतलब लिंग का पतन हो जाए और मतलब तेरे को भी मतलब मैं लटका दूंगा। okay. लटका दिया होगा मैं उनको। अच्छा, तो लिंग का पतन हुआ जब यहीं पर शिव जी धड़ करके गिर गए, इसी से लिंगों की यहीं से लिंगों की उत्पत्ति हुई। अच्छा, तो ये जो अच्छा यहाँ से जागेश्वर में लिंगों की स्थापना की गई, जागेश्वर यहाँ दंडेश्वर में जितने भी सारे मंदिर, ये जागेश्वर ही है ना, ये दंडेश्वर हुआ। तो जागेश्वर कहाँ पर है? 1.5 किलोमीटर आगे। अच्छा, आगे अभी जागेश्वर। अच्छा, ये दंडेश्वर जी। ओके, दंडेश्वर नाम से जब दंड दिया ना उनको। अच्छा, दंडेश्वर है। ओके, ठीक। तो ये बाहर लिखा था ये किसी राजा ने बनाया था मंदिर, है? ठीक है, ठीक है पंडित जी। जागेश्वर अगे है। तो एक अलग सी चीज़ यहाँ पे पता चली है, हम इस मंदिर को एक्चुअली जागेश्वर धाम सोच के आए थे अंदर, बट ये जागेश्वर धाम अभी 1.5 किलोमीटर आगे है। ये दंडेश्वर महादेव का मंदिर है, और बट ये भी मंदिर काफ़ी खूबसूरत सा है एक्चुअली। और इधर भी 14 टेम्पल्स ही हैं, आई गेस 14 टेम्पल्स का ही ग्रुप है ये। अच्छा, ये कुबेर टेम्पल है। ऊपर भी मंदिर है? ऊपर नहीं, पर कुटिया वुटिया किसी की ना। जय हो, ठीक है। इसका आर्किटेक्चर देखिए कितना सुंदर है ना। जय शाबाश, यहाँ भी जय करो शाबाश यहाँ। अच्छा, अब वहाँ पे जाओ, इधर आओ। जय करो, जय 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 जय, आ जाओ इधर, आ जाओ। वेरी गुड। जय 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 हो, जय हो। चलिए चलते हैं अब आगे जागेश्वर धाम की ओर, और वहाँ का भी दिखाते हैं आपको, वहाँ भी दर्शन करवाते हैं आपको। वाटरफॉल है? हाँ, वाटरफॉल है। चलो जी, निकलते हैं अब जागेश्वर धाम की ओर, और पहले ये देते हैं वापस ना, टोकरी वापस देनी है। और मेरे को पता नहीं था कि जो जागेश्वर धाम है वो एक ज्योतिर्लिंग है। सबने ना अपनी वो
मन्नतें मन्नतें मांग रखी होंगी ना।